नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्यूशन अमन अपने जीके जिस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आपका आर्मी अग्निवीर 2024 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो 30 अप्रैल के थर्ड शिफ्ट में भी आपका एग्ज़ाम था, जो कि आपका ट्रेड्समैन का था, 10th लेवल का। तो उसका एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। उसमें आपके जीके जीएस साइंस से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, आपके स्टूडेंट के बताए गए प्रश्नों को मैं एकत्र कर लिया हूँ, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बिना किसी देरी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर एक बार ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, आज का जो पहला जो प्रश्न है वह है कि श्री राम कौन से युग में थे। श्री राम की बात करेंगे तो आपका त्रेता युग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्री राम का जो जन्म है त्रेता युग में अर्थात द्वापर युग से पहले हुआ था, चूँकि कलयुग का अभी आरंभ हुआ है, लगभग 5500 वर्ष ही बीते हैं और श्री राम का जन्म त्रेता के अंत में हुआ था। अवतार लेकर धरती पर उनके वर्तमान रहने का समय परंपरागत रूप से 11,000 वर्ष माना गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका त्रेता युग हो जाएगा। अगला है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका किसे दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे तो ये कोच को दिया जाता है। ये कोच आपका ट्रेन वाला कोच नहीं, ये आपका खेल खिलाड़ियों वाला कोच, यानी कि जैसे खेलो, जैसे रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा के भी कोई ना कोई कोच होगा, जैसे विराट कोहली, तो विराट कोहली का भी कोई ना कोई कोच होगा, तो उन सभी कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें से आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, जहाँ 2023 में कुल 26 लोगों को दिया गया था। सेकेंड शिफ्ट में हमने डिस्कस किया है उन सारों को, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा ध्यानचंद पुरस्कार, इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद माँ का ट्रॉफी भी दिया जाता है खेल में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहले बात कर रहे हैं टेक्स्ट बुक पर चल रही दे दनादन सेल के बारे में, जो कि फ्रेंड्स 27 अप्रैल को शुरुआत था, आज 30 अप्रैल तक चलना है। इस सेल के दौरान अगर अगर आप इनका पास प्रो लेते हैं तो मात्र आपको 307 रुपये में, और यली का पास लेते हैं तो मात्र 219 रुपये में। साथ में कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी दे रहेगा। इस सेल का सबसे बड़ा जो खास बात है वह है कि आप प्रत्येक घंटा IPL का टिकट भी जीत सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फुल रिफंड भी आप इनसे ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक के ऊपर बात करेंगे तो आपका SSC हो गया, बैंक हो गया, इसके अलावा रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, या आपके स्टेट लेवल के भी कोई एग्जाम क्यों ना होते हैं, उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYQ आपको मात्र एक ही पास में 307 रुपये में ही मिलने वाला है। ठीक है, तो एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा गया था, तो राइट आंसर दोस्तों आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो ये आपका 15वीं जनगणना था, आज़ादी के बाद आपका 7वां जनगणना था। आदर्श वाक की बात करेंगे तो हमारी जनगणना, हमारा विश्व पहली जनगणना आपका 1872 में हुआ था। उसके अकॉर्डिंग सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश था, सबसे कम आबादी वाला राज्य आपका राज्य क्षेत्र यानी कि UT आपका लक्षद्वीप है। उच्चतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो दिल्ली है। इसके अलावा उच्चतम लिंग अनुपात केरल का है, साक्षरता में आपका केरल है, उच्चतम घनत्व आपका बिहार का है, सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है। भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष आपके जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, तो इसका राइट आंसर आपका जगत प्रकाश नड्डा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पूछेंगे तो मल्लिका अर्जुन खड़गे है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन के एक अणु की बात करेंगे तो एक अणु में दोस्तों आपका 2 परमाणु होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 परमाणु हो जाएगा। ये O2 के रूप में द्विपरमाणु रूप अणु के रूप में मौजूद है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो रंगहीन, गंधहीन, बेस्वाद गैस है जो जीवित जीवों के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन की खोज 1772 में हुआ था, स्विस रसायनज्ञ कार्ल विलियम सिले ने किया था। ठीक है, इसके अलावा 40% द्रव्यमान में ऑक्सीजन भूप्रपटी में सबसे भरपूर तत्व है। वायुमंडल में आयतन से ऑक्सीजन का अनुपात 21% है। आणविक प्रजाति O2 सामान्य तापमान और दाबों पर विशेष रूप से अभिक्रियाशील नहीं है। अगला है कि एक विद्युत जनरेटर किससे परिवर्तित करता है। तो एक विद्युत जनरेटर की बात करेंगे तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। हालांकि प्रश्न आपका इस प्रकार से दिया गया था कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत जनरेटर है जो कि आपका यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर आपका विद्युत ऊर्जा था। ठीक है, एक विद्युत जनरेटर का उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है, इसे डायनेमो के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा एक विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर भी कार्य करता है।
अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका तिब्बत के मान सरोवर से निकलती है, तो इसका राइट आंसर आपका तिब्बत का मान सरोवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तिब्बत में से यालू स्रपो भी कहा जाता है। तिब्बत में रहती हुई नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, असम घाटी में बहती हुई ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे यमुना कहा जाता है। ठीक है, गंगा नदी की बात करेंगे तो यमुनोत्र से निकलती है। अगला है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर की बात करेंगे तो विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की क्या है, आप पता है राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता था, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी ये रह चुके हैं। इसके साथ इन्होंने इस पुस्तक को APJ अब्दुल कलाम में का सहायता लिखने में किया था अरुण तिवारी ने। अगला है संविधान लागू कब हुआ था। संविधान लागू की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। हालांकि संविधान बनकर तैयार कब हो गया था, तो ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, क्यों हुआ था, क्योंकि आपको मालूम होगा 26 जनवरी 1930 से आपका स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा आपका 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। इसी दिन को यादगार बनाने के लिए आपका वेट किया गया और आपका 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे तौर पर लागू किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसी 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस भी मनाते हैं। हाँ, अगला है 31 मार्च 2024 तक नौसेना के अध्यक्ष कौन थे। तो नौसेना की बात करेंगे तो एडमिरल आर हरि कुमार आपके नौसेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला है जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो जात्रा उत्सव की बात करेंगे तो आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, राइट आंसर उड़ीसा होगा। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो सन 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जब ब्रिटिश सरकार ने गांधी की 11 मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ठीक है, इसकी शुरुआत आपका 12 मार्च 1930 को हुआ था, गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। इसके अलावा गांधी ने आश्रम के 78 अन्य सदस्यों के साथ पैदल साबरमती आश्रम छोड़ दिया था, यानी शुरुआत कहाँ से हुआ था, साबरमती आश्रम से हुआ था। अगला है कि फरवरी 2024 में कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल हुआ है। तो 2024 में बात करेंगे तो मिस्र हुआ था, इथोपिया हुआ था, ईरान हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात हुआ था। ठीक है, इससे पहले ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका आपका ब्रिक्स संगठन का सदस्य है। ठीक है, बाद में यह सब शामिल हुआ था। अगला है कि भारत में कौन सा द्वीप स्थित है। द्वीप की बात करेंगे तो एक तो लक्षद्वीप ही भारत में स्थित है, तो इसका राइट आंसर लक्षद्वीप होगा। अगला है निषेचन क्रिया कहाँ घटित होता है। घटित होता है तो इसका राइट आंसर फिलोपियन ट्यूब हो जाएगा, जिसे हम लोग डिम्ब वाही नलिका भी कहते हैं। तो निषेचन की जो क्रिया है दोस्तों आपका ये भी यहीं पर आपका घटित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला है नर व मादा में कौन सा प्रजनन होता है। नर व मादा की बात करेंगे तो इसमें आपका यौन प्रजनन होता है, तो राइट आंसर यौन प्रजनन होगा। अगला है पेड़ पौधे में प्रजनन किस विधि के द्वारा होती है, तो इसका राइट आंसर लैंगिक प्रजनन होगा। पादप में जनन दो प्रकार से होता है, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, कायकी प्रबंधन। लैंगिक जनन में नर मादा युग्मों का युग्मन होता है। कायकी प्रबंधन में पत्तियां, तना, मूल जैसे कायकी भाग से नए पादप उगाए जाते हैं। अगला है मलेरिया किस कारण से नहीं फैलता है। मलेरिया की बात करेंगे तो गर्म पानी पीने से मलेरिया नहीं फैलता है, ऑप्शन में दिया गया था। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे तो कोच को दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 1902 में अनुशीलन समिति किसने गढ़ी थी। तो 2002 में बात करेंगे तो अनुशीलन समिति की स्थापना सन 1902 में कलकत्ता स्थित वकील परमनाथ मित्रा ने किया था। ठीक है, इसका नेतृत्व श्री अरविंदो घोष के छोटे भाई वीरेंद्र घोष ने किया था। ठीक है, जो भी ऑप्शन में होगा उसको राइट कर लीजिएगा। अगला है PMAU का पूर्ण रूप क्या होगा। PMAYU का पूर्ण रूप की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, PMAYU दिशा निर्देश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग DWS के घरों का आकार 30 वर्ग मीटर हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके आज के थर्ड शिफ्ट के ट्रेड्समैन ट्रेड में पूछे गए थे। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में ये हुआ था आपका, दो एग्जाम हुआ था टेक्निकल का और ट्रेड्समैन का। हमने ट्रेड्समैन का एनालिसिस कराया था, टेक्निकल वाले स्टूडेंट आगे कह रहे हैं ये क्वेश्चन तो सेकेंड शिफ्ट में आया ही नहीं था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी टेक्स्ट बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।